एंड जजमेंट हमेशा अपने हैंडल के हिसाब से लिया करो। हैंडल जितना भी होगा, मेरा हैंडल बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है, मे भी हो सकता है आपका हैंडल इतना हो, ज़्यादा करके सब बाइक्स का हैंडल इतना ही होगा। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में फाइनली हम लोग इतना टाइम बाद बात करने वाले हैं बाइक के जजमेंट के बारे में। बाइक का जजमेंट को किस तरीके से सीखा जाए, किस तरीके से मास्टर किया जाए, जिससे आप अपने बाइक को सही तरीके से कंट्रोल कर पाओ, छोटे से छोटे जगह से आप अपने बाइक को निकाल पाओ एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो पहले हम लोग देखते हैं जजमेंट। तो जजमेंट क्या होता है, तो सिंपल बात है कि जैसे मैं बाइक चला के जा रहा हूँ एंड बाइक चला के जाने के बाद दो व्हीकल जा रहे हैं, उसके बीच में अगर छोटा सा रास्ता है तो क्या मैं अपना बाइक यहाँ से निकाल पाऊँगा या नहीं निकाल पाऊँगा, इस चीज़ को बोला जाता है जजमेंट, बराबर। तो अभी इस जजमेंट को किस तरीके से मास्टर करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मे बी आपको शायद से लगे कि आपका बाइक नहीं निकल पाए, मे बी ऐसा आपको लगे कि आपका बाइक वहाँ से निकल जाएगा एंड फिर आप अगर अंदर बाइक अंदर डाल दोगे, फिर पता चला कि बाइक का शायद से मिरर टूट गया या फिर हैंडल में प्रॉब्लम आ रहा है एंड फिर कभी कभी ऐसे में सिचुएशन में एक्सीडेंट भी हो जाता है। सो इसीलिए बाइक के जजमेंट को सही तरीके से सीख के मास्टर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जजमेंट को मास्टर करने के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप ये चीज़ एक दिन में नहीं कर सकते। सो ये चीज़ आप भूल जाओ कि मैंने जैसे आपको कुछ एक ट्रिक बताया एंड आपने मास्टर कर लिया एंड कल आप एकदम प्रो राइडर बन गए, तो वैसा चीज़ नहीं है। हर एक बाइक का जजमेंट अलग होता है जिसके हिसाब से आपको टाइम लगता है। तो जैसे कि मैं सुजुकी जिक्सर पे चलाता था एंड सुजुकी जिक्सर पे मुझे पता था कि बाइक इतने से एरिया में निकल सकता है, सेम एरिया में मेरा डोमिनार नहीं निकल सकता। एंड जब शुरू में मैंने डोमिनार लिया था, चला रहा था, तब मुझे जजमेंट का थोड़ा सा इशू हुआ था। जब आप बाइक चेंज करोगे तो बाइक में आपको हमेशा जजमेंट का प्रॉब्लम आएगा। जैसे बीच में मैं आप लोगों के लिए जब ट्यूटोरियल बिगिनर वाले ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड कर रहा था जो कि होंडा शाइन पे थे एंड जब मैं वहाँ होंडा शाइन को निकाल रहा था तो मुझे पता था कि होंडा शाइन निकल जाएगा क्योंकि उसका हैंडल छोटा है, बराबर। डोमिनार का हैंडल बड़ा है एंड इतना बड़ा बाइक इतना बड़ा हैंडल के साथ नहीं निकल पाएगा। कभी कभी ये भी होता है कि लोग आगे का सिर्फ छोड़ के पीछे का चीज़ याद नहीं रखते, बराबर। तो पीछे मतलब कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कभी ऐसे जा रहे हैं तो हाथ में कुछ लकड़े का सामान पकड़ा हुआ है या फिर गैस का बॉटल रखा है, तो ऐसे बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम होता है। सो आप वो पीछे का चीज़ देखते नहीं हो, आगे से हिसाब से चलाते हो, आगे से बाइक निकाल दिया एंड पीछे का तकलीफ हो गया, तो वैसा नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि मेरा हैंडल एंड दूसरा चीज़ है ये लेग गार्ड या फिर इसको बोलते हैं इंजन गार्ड। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं जा रहा हूँ एंड मुझे पता है कि ऊपर से स्पेस है, मतलब पकड़ लो कि वो एक ऐसा चीज़ है, फॉर एग्जांपल ऐसा ज़्यादा नीचे वाला कार है या फिर ज़्यादा ऐसा ऊपर वाला कार है, फॉर एग्जांपल जैसे फॉर्चूनर का मिरर इतना ऊपर आता है एंड वैसा अगर बड़ा कार है तो मुझे पता है कि गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन क्या होगा कि अगर जैसे साइड में कुछ लाइक बाइक्स पार्क्ड है तो ऑफ कोर्स मैं जब गाड़ी बाइक आगे निकालने का कोशिश करूँगा तो मेरा ये इंजन गार्ड के वजह से मैं आगे नहीं जा पाऊँगा, बराबर। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इस चीज़ को समझना है एंड मास्टर करना। पहला चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, इसके अंदर विजन, बराबर। तो आँखों को देख के आपको एक लाइन बनाना है कि यहाँ से जाते हुए एक लाइन बनाना है कि आप इस तरीके से इतने से पैच में निकल पाओगे कि नहीं निकल पाओगे। ऑफकोर्स बहुत छोटा पैच होगा उसके अंदर तो आप अपने बाइक को ज़बरदस्ती डालोगे नहीं। सो जब आप ये पैच देखते हो तो इन पैच को आपको सही तरीके से समझना है कि आप जैसे यहाँ से जा रहे हो तो इतना एरिया है उतने में आप निकल पाओगे कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि जितना आपको दिखाई दे रहा है उससे थोड़ा सा कम पैच लगे आपको, वो रीज़न ये है कि वो टाइम पे आप अपना बाइक को थोड़ा सा क्रॉस कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ऐसा, तो आपका एरिया छोटा हो जाएगा। जैसे ये एरिया यहाँ पर है तो मैं अगर बाइक को क्रॉस करता हूँ तो दिख रहा है मेरा ये एक दो इंच का गैप बच जाता है, बराबर। सो ये चीज़ सारी चीज़ें मास्टर वाली है पर वो धीरे धीरे करके हो जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ एंड अचानक से यहाँ पर लाइक कार खड़ा है, जैसे अभी आपने देखा कि वो होंडा सिटी गया, वो होंडा सिटी का जो मिरर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाता है तो मैं अभी बाइक को निकाल नहीं पाऊंगा। तो उस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, बाइक को अपना क्रॉस करना है। तो होंडा सिटी का मिरर इधर है एंड मैं अपने बाइक को क्रॉस करता हूं तो दिख रहा है मेरा बाइक क्रॉस होने के बाद वो मिरर के ऊपर हो जाता है हैंडल एंड फिर मैं धीरे धीरे क्रॉस करके यहां से निकाल सकता हूं। तो ये चीज़ हो गया। एंड जजमेंट हमेशा अपने हैंडल के हिसाब से लिया करो। हैंडल जितना भी होगा, मेरा हैंडल बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है, मे भी हो सकता है आपका हैंडल इतना हो, ज़्यादा करके सब बाइक्स का हैंडल इतना ही होगा। सबसे छोटा
जो हैंडल होता है सबसे छोटा आपका बाइक वहाँ से निकल जाएगा बहुत जल्दी जल्दी, वो होता है पहला चीज़ तो स्कूटी का। एंड दूसरा चीज़ है कि ज़्यादा करके जो स्पोर्ट्स फेयरिंग वाले टाइप होते हैं बाइक, वो जैसे R15 हो गया, फिर अपना बजाज पल्सर 220 हो गया फेयरिंग वाला, तो वैसे बाइक्स फटाक से वहाँ से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका फेयरिंग बहुत उनका जो ये हैंडल होता है बहुत छोटा होता है एंड वो थोड़े से रेस टाइप होते हैं, तो वहाँ से जल्दी से निकल जाएगा। तो इसके लिए है ADVs ज़्यादा करके अटकते हैं, क्योंकि ADVs जो रहते हैं एडवेंचर मोटरसाइकिल बराबर, तो वो ज़्यादा करके अटकते हैं। उनका रीज़न ये है कि उनका हैंडल काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बने होते हैं, तो इसके लिए सो। और नॉर्मल कम्यूटिंग बाइक्स का भी हैंडल ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। बट ये चीज़ याद रखना कि आपको इस चीज़ को मास्टर करना है। मास्टर करने के लिए पहले मैंने आपको एक टिप दिया, दूसरा चीज़ मैं आपको बोलूँ कि धीरे 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 करके आपको ये चीज़ ट्राई करना है बराबर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप यहाँ पर खड़े हो बराबर, यहाँ पर एक कार है एंड ये ए स्पेस खाली है, तो पहला चीज़ आप थोड़ा सा एक बार ट्राई करके देखो कि वैसे एरिया में से आप निकल पाते हो कि नहीं। क्योंकि जब तक आपने वो रिस्क नहीं लिया, जब तक आपने वो चीज़ ट्राई नहीं किया, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बाइक वहाँ से निकल सकता है कि नहीं। क्योंकि एक बार जब आपने ट्राई किया और आपका बाइक निकल गया, तो यस वो सिचुएशन में आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा। एंड वो बेनिफिट आपके लिए ये रहेगा कि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इतना स्पेस से मेरा बाइक आराम से निकल सकता है, ठीक है। अच्छा, रास्ते पे कभी भी रिस्क मत लेना, जब दो व्हीकल जाते हैं और दो ट्रक जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपका बाइक निकल पाएगा, तो और ज़बरदस्ती अंदर मत डालना। अगर आप 1% के लिए भी श्योर नहीं हो कि आप वहाँ से नहीं जा पाओगे, डोंट गो फॉर इट बराबर। क्यों? क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मे भी हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए एंड एक्सीडेंट होने के बाद आपको चोट लग सकता है। तो बेटर चीज़ ये है कि जब भी आप लाइक फॉर एग्जांपल जा रहे हो हाईवे पे और कार चल रही है, बाइक चल रही है, तो अननेसेसरी मत ऐड करो अपना बाइक को एंड हॉर्न बजाया करो ऐसे सिचुएशन में, जिससे आप बच सकते हो एंड आप सही तरीके से अपना सेफली सब चीज़ें कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि पहले दो व्हीकल है, उसके बीच में स्पेस। हेलो, कुटली गाड़ी हाँ, अच्छा थैंक यू। कुठली स्कूटी है? बाइक शिकली तो मुझे। अच्छा थैंक यू। हाँ हाँ, अगेन एक और सब्सक्राइबर, ये फेमस लोकेशन है यहाँ पे। सो जैसे मैं बता रहा था कि जब भी आप लाइक एक एक करके अपने सब चीज़ों में जजमेंट में मास्टर करो, क्योंकि जब आप जजमेंट में मास्टर करोगे सो आप सही तरीके से हर एक चीज़ कवर अप कर सकते हो। और जो टिप्स मैंने बताया है वो इतने हैं, आप एक बार ट्राई करो उस व्हीकल के बीच में से जाने के लिए, धीरे धीरे करके आपको आइडिया आएगा, जितना जल्दी आपको आइडिया आएगा उतना जल्दी आप सही तरीके से अपने बाइक को चला सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना। बाय बाय।